मेरा नाम कपिल राणा है, मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर क्रिकेटर। अभी मेरा ACL टूटा है खेलते हुए और मैंने मेनिस्कस में चोट लगी थी। मैं ना यूपी से रणजी ट्रॉफी के मैंने कैंप किए हैं 2-3, और उसके बाद मैं एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर दिल्ली और कैलकाटा में बहुत साल खेला हूँ। और अभी जो है मैं बैटन क्रिकेट में खेलता हूँ अपनी यूपी की टीम के लिए और सेंट्रल बोर्ड के लिए, सेंट्रल जोन के लिए सॉरी। क्रिकेट में मैं मीडियम पेसर हूँ, एक पेसर बॉलर। मैंने 2004 में ना स्कॉर्पियो ESPN स्पीडस्टर कॉन्टेस्ट जीता था, जो कि इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर का होता है। और मैं अभी भी बैटर में भी ना मीडियम पेस बॉलिंग करता हूँ, और बस इसीलिए शायद मुझे जल्दी ठीक होना पड़ेगा दोबारा से बॉलिंग करने के लिए। तो अभी हमारा IBPL होने जा रहा है सेप्टेम्बर अक्टूबर में, उसके लिए मुझे डबल विकेट खेलते हुए ना 2 महीने पहले मुझे दोबारा से चोट लगी, मेरी ACL की पुरानी चोट थी ये। और फिर मैंने इसका MRI कराया तो पता चला इसके मेनिस्कस भी फटा हुआ है। तो इसके इलाज के लिए मैं यूट्यूब पे मैंने कई स्पोर्ट्स जो सर्जन होते हैं, जो स्पोर्ट्स इंजरी वाले, तो उनको सर्च किया। तो उसमें मैंने देखा डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी जो है वो अच्छा खासा प्लेयर्स को जो है सर्जरी करते हैं ACL और इसकी मेनिस्कस की। तो मैंने उनसे संपर्क किया, अपनी MRI भेजी। उन्होंने मेरी MRI देख के मुझे बोला कि आपकी सर्जरी होगी, तो जिसके लिए उन्होंने मेरे टेस्ट वगैरह कराए। उसके बाद में फिर उनसे मिला तो उन्होंने मेरी सर्जरी की है कल। तो बिल्कुल अच्छे से मेरी सर्जरी हुई है, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। और डॉक्टर साहब की एक स्पेशल बात मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर तो खैर सब अच्छे होते हैं, अपने पेशेंट के लिए सब चाहते हैं उनका फ़ायदा हो, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग उनको जो प्लेयर से एक सिंपैथी है या जो अफेक्शन है उसके लिए तो मैं उनका ना मतलब स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ। और उन्होंने मुझको बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह जो है ट्रीट किया है एज ए ह्यूमन बींग। कल मेरी सर्जरी हुई और आज अभी डॉक्टर साहब ने ना मुझे आज मेरी मतलब फिजियोथेरेपी कराई है और मेरी कुछ एक्सरसाइजेज उन्होंने बताई हैं जो कि मैं ठीक से कर पा रहा हूँ। तो लग रहा है कि मुझे जल्दी रिकवरी मिलेगी, तो मुझे लग रहा है मैं अच्छे से जल्दी से रिकवरी करूँगा। और डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छे से मेरी सर्जरी की। और यहाँ हॉस्पिटल में भी ना बड़े अच्छे से मतलब इतनी केयर होती है हमेशा, आपको हर थोड़ी देर बाद ना कोई अटेंड करने आता है। कोई भी किसी तरह की दिक्कत मुझे यहाँ हुई नहीं है और मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू।